Once again, welcome to you all, my dear students. My name is Deven Kumar Tiwari. Today, I will teach you class 2nd, English Literature Chapter 14, The Remaining Story. So that let us start to read this story. Let them pass, exclaimed the other, and be more careful with your stick, or you may make my flock leap into the river. Let them pass, exclaimed the other. Exclaimed means आश्चर्यचकित होते हुए, अचंभित होते हुए the other, दूसरे ने कहा let them pass. उनके उनको लेकर तुम तो गुजरो पहले. And be more careful with your stick. And be more careful. आपको अधिक सावधान रहना है with your stick. Stick means छड़ी के साथ, उस डंडे के साथ आपको अधिक सावधान रहना है. और अथवा you may make माई फ्लॉक लीव इंटू द रिवर, अथवा आप मेरे भेड़ को नदी में कुदा देंगे. यू मे मेक माई फ्लॉक लीव इंटू द रिवर. सो दे आर्ग्यूड एंड शाउटेड. सो मीन्स अतः, दे मीन्स वे, आर्ग्यू मीन्स तर्क वितर्क कर रहे थे, एंड शाउटेड और चिल्ला रहे थे. रनिंग दिस वे एंड दैट अनटिल मार्टिन. रनिंग दिस वे एंड दैट, इधर उधर क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे, दोनों झगड़े कर रहे थे और दौड़ रहे थे. अनटिल मार्टिन, तभी मार्टिन आता है, अ थर्ड मैन ऑफ गोथम. गोथम का तीसरा व्यक्ति मार्टिन आता है. अपीयर्ड, अपीयर्ड मीन्स दिखाई पड़ना, अराइव्ड होना, केम आना. तभी तीसरा आदमी ऑफ गोथम केम. गोथम का तीसरा आदमी मार्टिन आता है. ही वॉज कमिंग बैक फ्राम नॉटिंगम मार्केट. वह नॉटिंगम मार्केट से वापस आ रहा था. ही वॉज कमिंग बैक, वह वापस आ रहा था. फ्राम नॉटिंगम मार्केट, नॉटिंगम मार्केट से वह वापस आ रहा था. देयर वॉज ए सैक ऑफ फ्लोर ऑन द बैक ऑफ हिज हॉर्स. देयर वॉज ए सैक मीन्स बोरा. आप फ्लोर मीन्स फर्श का, ऑन द बैक मीन्स पीठ पर, आप हिज हॉर्स उसके घोड़े पर एक बोरा आटा था जिसको लेकर के वह आ रहा था. देयर वॉज ए सैक ऑफ फ्लोर, एक आटे का बोरा था, ऑन द बैक मीन्स पीठ पर, आप हिज हॉर्स उसके घोड़े के पीठ पर आटे का एक बोरिया था. He looked silently at the two men fight with each other. He looked silently. वह देख रहा था, silently means शांत पूर्वक, at the two men fighting with each other. कि दोनों आदमी एक दूसरे के साथ fighting कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे. Then तब he said loudly, तब उसने तेजी से कहा. He means कौन, Martin ने सेड कहा लाउडली, तेजी से, बी काम, शांत रहिए, डोंट फाइट, लड़ाई मत कीजिए. प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए. लिफ्ट दिस सैक, लिफ्ट मीन्स उठाने में, दिस सैक आ फ्लोर, फ्लोर के इस सैक को उठाने में मेरी मदद कीजिए. ऑन टू माई शोल्डर्स मीन्स कंधे पर, मेरे कंधे पर, ठीक ना. प्लीज हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स, this sack of flour onto my shoulders, and I shall teach you an important lesson. तो मैं आप लोगों को एक नया पाठ, महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा. They helped him lift the sack onto his shoulders. They means वे helped him, उसकी मदद की lift उठाने में, the sack, sack को onto his shoulders, उसके कंधे से. Then Martin walked to the edge of the bridge. तब Martin जो है walked, walked means चलते हुए गया, to the edge means किनारे, of the bridge, उस ब्रिज के किनारे वह चलते हुए गया. He opened the sack and emptied. वह अपने sack को open करता, खोलता है, and emptied. Emptied means took out everything that was in the sack, और हर चीज निकालता है. And emptied the flour into the river. और emptied means निकाल देता है, ख़त्म कर देता है वह हर चीज़. The flour means, flour means आटे को, into the river, और नदी में फेंक देता है.
He shook out the sack and said, he shook out the sack. वह सैक को हिलाते हुए बोला, Tell me good neighbors, tell me मुझे बताओ, good neighbors मेरे पड़ोसियों, तुम बताओ, how much floor is in the sack now? इस सैक में अब कितने आटे हैं? How much floor is in the sack now? इस सैक में कितने आटे हैं? अब आप बताओ. Why? None. The two men answered together. वे दोनों आदमियों ने उत्तर दिए, none. None means कुछ नहीं है. The two men answered together. साथ में ही दोनों आदमियों ने उत्तर दिया. That is a good reply, said he. उसने कहा कि यह आपकी That is a good reply. Reply means response. उत्तर आपका अच्छा उत्तर है. That is no floor in the sack. ठीक ना, सैक में आटा नहीं है. And there is no sense in your foolish. And means or. There is no sense. Sense means सोचने की क्षमता in your foolish head. और आपके इस मूर्खतापूर्ण मन में, head में, सिर में कोई विचार भी नहीं, अच्छे विचार भी नहीं. Because you are fighting about sheep. क्योंकि आप भेड़ के लिए लड़ रहे हैं. Which are not here at all. जो यहाँ पर नहीं है, उस भेड़ के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर नहीं है. हो वाई, हु डू यू थिंक वाज द वाइजेस्ट ऑफ दीज थ्री मैन ऑफ गोथम. हु मीन्स किसे, डू यू थिंक आप सोचते हो, वाज द वाइजेस्ट मीन्स बुद्धिमान व्यक्ति है ऑफ दीज थ्री मैन, इन तीनों आदमियों में ऑफ गोथम, गोथम के इन तीन आदमियों में, इन तीनों आदमियों में कौन सबसे बुद्धिमान है. तो इन तीनों गोथम के आदमियों में सबसे बुद्धिमान कौन हुआ, ये आपको क्या करना है, बताना है. सो दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टोरी. सो दैट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.